हेलो एवरीवन वन माई सेल्फ प्रेमांक शर्मा सीनियर मैथमेटिक्स फैकल्टी रेजोनेंस कोटा सेंटर टुडे आई एम हियर टू डिस्कस मेमोरी बेस्ड मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर थर्टी फर्स्ट अगस्त शिफ्ट वन वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर वन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वैक्टर इज सिक्सटी डिग्री एंड वैक्टर या पोन एट इज़ ए यूनिट वैक्टर इफ मोड ऑफ टू ए वैक्टर प्लस थ्री बी इज इक्वल्स टू मोड ऑफ थ्री ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर देन दैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर बी ओके तो गिवन कंडीशन से स्टार्ट करते हैं स्क्वायरिंग बहुत साइड दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो so, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे फोर फोर मोड ऑफ ए वैक्टर स्क्वायर प्लस नाइन मोड ऑफ बी वैक्टर स्क्वायर प्लस सिक्स ट्वेल्व ए डॉट बी तो ट्वेल्व ए वैक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर एंगल बिटवीन वैक्टर एंड वैक्टर बीज 60 डिग्री सो कॉस 60 डिग्री सिमिलरली ऑन राइट साइड 9 मोड ऑफ वेक्टर स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 6 मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर एंगल बिटवीन वैक्टर एंड वैक्टर बीज 60 डिग्री ओके अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं सो दिस इंप्लाइज फाइव मोड ऑफ ए वैक्टर स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी वैक्टर स्क्वायर माइनस सिक्स मोड ऑफ ए वैक्टर मोड ऑफ बी वैक्टर कॉस्थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू दिज इक्वल टू जीरो ठीक है सो दिस इम्प्लाइज फाइव मल्टीप्लाइड बाई सिक्सटी फोर माइनस एट मॉड ऑफ बी वैक्टर स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ ए कितना हमारे पास एट दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पे ठीक है क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर डिवाइडेड बाई एट इज इक्वल टू वन दिस इज गिवन तो यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो सिक्स मल्टीप्लाइड बाय एट डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाइड बाय मोड ऑफ बी वैक्टर इज इक्वस टू जीरो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास तो सिंप्लीफाई करेंगे माइनस फोर्टी इज इक्व टू जीरो सो मैग्निट्यूड ऑफ बी वैक्टर इज इक्वस टू वी विल गेट टू वैल्यूज ऑफ बी माइनस एट एंड मोड ऑफ बी वैक्टर इज इक्वस टू फाइव नेगेटिव पॉसिबल नहीं है सो दिस इज रिजेक्ट और इसी इंटरवल में अगर डिक्रीजिंग है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इज कैपिटल बी दे वैल्यू ऑफ मोड ऑफ ए माइनस बी तो जो इक्वेशन के क्रॉसपॉन्डिंग एक्सप्रेशन जो अपने को given है, तो है? है, ठीक तो किया वर्टेक्स, वर्टेक्स का एक्स कितना हो गया? -a by 2, y is -d upon 4, ये मिल जाएगा मैं। अब 1 to 2 में हमें क्या कहा गया इंक्रीजिंग इसका मतलब इधर वाला पार्ट आना चाहिए तो वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस ए बाई टू माइनस ए बाई टू शुड बी लेस देन और इक्वल टू वन होना चाहिए ओके okay, ये कंडीशन आएगी हाँ तो दिस इंप्लाइज क्या मिला ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस टू सो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए सो कैपिटल ए इज इक्वल टू माइनस टू अब इसी इंटरवल में डिक्रीजिंग है इसका मतलब इधर वाला पार्ट होना चाहिए तो वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है कौन सा हमारे पास माइनस ए बाई टू वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आना चाहिए वर्टेक्स का एक्सर्ट टू के इक्वल होगा तो बाकी पार्ट इधर आएगा तो डिक्रीजिंग मिलेगा अपने को ठीक है सो दिस इंप्लाइज क्या है हमारे पास यहां पे a इज लेस देन और इक्वल टू माइनस फोर सो मैक्सिम वैल्यू ऑफ a विच इज b विच इज इक्वल टू माइनस फोर सो मोड ऑफ a माइनस बी मोड ऑफ a माइनस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा टू आ जाएगा तो so, आंसर जो है इसका इंटीजर टाइप है सो टू आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन दी एक्सपेंशन क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड है नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है ठीक है तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कर लेते हैं लेट आर प्लस वन इट टम बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स सो टी आर प्लस वन दिस आर एक्स अपॉन फोर पावर ट्वेल्व माइनस आर माइनस ट्वेल्व अपॉन एक्स स्क्वायर पावर आर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं इसको सो ट्वेल्व सी आर वन बाय फोर पावर ट्वेल्व माइनस आर माइनस ट्वेल्व पावर आर मल्टीप्लाइड बाय एक्स टू पावर ट्वेल्व माइनस आर माइनस टू आर एक्स से इंडिपेंडेंट होना चाहिए इट मीन एक्स की जो पावर है वो क्या बननी चाहिए जीरो सो दिस इंप्लाइज ट्वेल्व माइनस थ्री आर इज इक्वल टू जीरो विल बी फिफ्थ टर्म कौन सी आएगी हमारे पास फिफ्थ टर्म वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं सो ट्वेल्व सी फोर वन बाय फोर पावर एट मल्टीप्लाइड बाय माइनस ट्वेल्व पावर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो अपन को आंसर मिल जाएगा यहां पे ठीक है इजी क्वेश्चन था नेक्स्ट एग्जांपल यस क्वेश्चन नंबर फोर द मीन ऑफ फर्स्ट टेन नंबर्स ऑफ द सीरीज ये सीरीज अपने को गिवन है तो मीन कैलकुलेट करना है हमें तो यहां पे एक्स बार इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू वन बाई समेशन फ्रॉम आर इज टू वन जो पैटर्न बन रहा है सेवन टेन थर्टीन सिक्सटीन नाइनटीन एपी वाला पैटर्न बन रहा है फर्स्ट टर्म सेवन है कॉमन डिफरेंस थ्री रहा है सो जनरल टर्म क्या बन जाएगी इसकी थ्री आर प्लस फोर सेकेंड पैटर्न जो बन रहा है एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला पैटर्न बन रहा है सो जनरल टर्म विल बी फर्स्ट टर्म यहाँ पे तो यह आ जाएगा टू आर प्लस सिक्स यह आ जाएगा हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करते हैं सो वन बाई टेन समेसन फ्रॉम आर इज इक्वल टू वन टू टेन सिक्स आर स्क्वायर प्लस एट प्लस एट इन प्लस ट्वेंटी फोर रिजल्ट आएगा हमारे पास समेशन है सबको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इजीली. सो so, 1 बाय टेन समेसन फ्रॉम r इज इक्वल टू वन टू टेन ठीक है तो यहां पे सबको डिस्ट्रीब्यूट अगर अपन करते हैं 6 फ्रॉम आर इज इक्वल आर स्क्वायर प्लस ट्वेंटी सिक्स समेन आर इज इक्वल टू वन टू टेन प्लस ट्वेंटी फोर इक्वल टू वन टू टेन ठीक है यह वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे सो वन बाय टेन सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो सिक्स मल्टीप्लाइड बाय टेन मल्टीप्लाइड इलेवन मल्टीप्लाइड सिक्स प्लस ट्वेंटी सिक्स मल्टीप्लाइड बाई टेन इंटू इलेवन डिवाइडेड बाई टू प्लस ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाइड बाई टेन ये रिजल्ट आएगा सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है बेसिकली शीट का एग्जाम्पल है एक तरह से बस डोटा डेटा जो है उन्नीस बीस हो सकता है बाकी एज इट इज एग्जाम्पल शीट में भी है अब इसको सिंप्लीफाई करना है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इसको अपन ने कुछ इस तरीके से लिख दिया x वन पावर एट मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय x माइनस वन पावर फाइव होल पावर वन बाय फोर दिस इज dx ये लिख दिया अपन ने यहां पे तो ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट किसके दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन वन अपॉन दिस इज एक्स माइनस वन होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन पावर फाइव बाई फोर एंड डी ओके तो यहां पे क्या एज्यूम किया अपन ने यहां पे एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टी ये सब्सिट्यूट कर लेंगे ठीक है इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहां से जो रिजल्ट आएगा हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा देखिए यहां पे एक्स माइनस वन होली स्क्वायर यहां से क्या रिजल्ट आया एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस टू और ये डी एक्स इज इक्वल टू डी टी ये रिजल्ट आ गया इस so, so, एक्स से एक्स कैंसिल तो वन अपॉन एक्स माइनस वन होली स्क्वायर डी एक्स वन अपॉन एक्स माइनस वन होली स्क्वायर डी एक्स किसके लगे डी टी तो इंटीग्रल जो है किस फॉर्म में रिड्यूस रेड्यूस इंटीग्रेशन ऑफ टी पावर माइनस फाइव बाई फोर डी टी ठीक है माइनस वन बाई फोर टी पावर माइनस वन बाई फोर डिवाइडेड बाय माइनस वन बाई फोर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन टी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे देन वी विल गेट आंसर नंबर ठीक है है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेमोरी बेस्ड थोड़ा सा अच्छा टिपिकल लेवल का एग्जाम्पल है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है माइनस वन बाई टू से वन तक तो अलग अलग पार्ट्स में अपन ब्रेक करते हैं जहां जहां पे इंटीजर चेंज कर रहा है वहां वहां पे अपन को ब्रेक करना है तो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू ये इंटीग्रल आई मान लेते हैं एट आई कैलकुलेट करना है बेसिकली तो इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस वन बाई टू टू जीरो आपको क्या प्रोवाइड करेगा माइनस वन तो माइनस वन और माइनस वन बाई टू से जीरो है तो मोड के अंदर नेगेटिव तो मोड नेगेटिव साइन से ओपन होगा तो दिस विल बी प्लस एक्स डी एक्स प्लस इसके बाद जीरो से कहां तक जाएंगे अपन वन बाय टू तक जीरो से वन बाय टू जाएंगे तो टू एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी हमारे पास जीरो से वन के बीच में आएगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो जीरो so, माइनस मोड के अंदर पॉजिटिव मोड पॉजिटिव साइंस ओपन होगा डीएक्स प्लस थर्ड स्टेप कहां तक जाना है वन तक जाना है सो वन बाय टू टू वन तो जब x की वैल्यू वन बाय टू से वन है तो टू एक्स की वैल्यू वन से टू तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा आपको वन देगा मोड के अंदर पॉजिटिव है मोड पॉजिटिव साइंस ओपन होगा तो वन माइनस एक्स डी एक्स इस तरीके से थ्री पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा इंटीग्रेट कर देते हैं से तो इसका कितना हो गया कितनी X X कितनी है minus 1 by 2, upper limit कितनी है जीरो प्लस इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं यहां लोअर लिमिट इज जीरो अपर लिमिट इज वन बाई टू प्लस इसको इंटीग्रेट किया एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू लोअर लिमिट इज वन बाई टू अपर लिमिट इज वन वैल्यू रिप्लेस करेंगे वैल्यू so, 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 कितनी हो जाएगी माइनस फाइव क्वेश्चन नंबर सेवन दर्स्ट टेन टर्म्स ऑफ दिस सीरीज फर्स्ट टेन टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है आपने को तो so, पहले जनरल टर्म लिख देते हैं अपन स्टम टी आर थ्री फाइव सेवन तो टू आर प्लस वन डिवाइडेड रैपिडली इंक्रीज हो रहा है तो डिफरेंस में ब्रेक करना फर्स्ट टारगेट है अपना कि ताकि इजीली अपन उसका सम निकाल सकते हैं तो यहां पर जो फैक्टर्स हैं आर मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस वन होल स्क्वायर लिखना चाहे तो अपन लिख सकते हैं तो इसको भी ब्रेक कर देते हैं यहां पे तो मैंने इसमें इस तरह से किया टू आर प्लस वन माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर प्लस वन होल स्क्वायर ऐसे लिख दिया यहां पे तो दिस बी आर प्लस वन होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस वन होल स्क्वायर ब्रेक कर देते हैं दोनों अलग अलग सम में ब्रेक हो जाएंगे सो दिस विल बी वन अपोन आर स्क्वायर माइनस वन अपोन आर प्लस वन होल स्क्वायर सो जनरल टर्म टी आर आ गई हमारे पास हमें क्या निकालना है सम ऑफ फर्स्ट टेन टर्म फर्स्ट टेन टर्म्स निकालना है तो समू वन बाई वन स्क्वायर माइनस वन बाय टू स्क्वायर प्लस वन बाय टू स्क्वायर माइनस वन बाय थ्री स्क्वायर कैंसिलेशन पैटर्न पता लग गया ये माइनस ये प्लस माइनस ये प्लस ये करता जाएगा तो लास्ट में क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास वन बाय टेन स्क्वायर माइनस वन बाय इलेवन स्क्वायर तो so, यहां पे जो माइनस होगा वो इसको कट कर देगा सो इवेंचुअली वी विल गेट वन माइनस वन बाई वन ट्वेंटी अपॉन वन ट्वेंटी वन तो वन ट्वेंटी अपॉन वन ट्वेंटी इज द करेक्ट आंसर ठीक है ऑल दीज क्वेश्चन आर मेमोरी बेस्ड लेट एफ बी ए नॉन नेगेटिव फंक्शन डिफाइन ऑन द इंटरवल जीरो टू वन और ये कंडीशन अपने को गिवन है एक्स लाइस

यहां पे स्क्वायर रूट भी है तो स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ जीरो जीरो दे रखा है वो कोई दिक्कत है ही नहीं स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया अपन ने सो वन माइनस एफ डैश एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर एक्स इस तरीके से लिखता है? लिखा अपन ने यहां पे ठीक है अब इसको अपन को सिंपलीफाई करना है यहां पे जो कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व भी करना है और एफ एक्स जो फंक्शन है वो फाइंड आउट करना है

तो हमें जो गिवन है एफ ऑफ जीरोक्वल टू जीरो आ जाएगा जीरो आ जाएगा हमारे पास तो जो रिजल्ट आया हमारे पास क्या रिजल्ट मिला यहां पे देखिए साइन इनवर्स वाई साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स ये कंडीशन आ गई हमारे पास ठीक है सो एफ एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन एक्स ये आ जाएगा बट क्या दिया हुआ है यहां पे नॉन नेगेटिव फंक्शन सो इंप्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हमारे पास प्लस साइन एक्स ये एफ एक्स आ गया तो एफ ऑफ टी कितना हो जाएगा साइन टी अब जो लिमिट हमें फाइंड आउट करनी है उस लिमिट की डी एक्स इसको अपन ने ऐसे लिख दिया साइन तो वन अपोन एक्स स्क्वायर साइन टी को इंटीग्रेट किया माइनस कोस टी कहां से कहां तक है जीरो टू एक्स लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो सो दिस इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू एक्स लोअर लिमिट सो वन माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर टेकिंग लिमिट वी विल गेट वन माइनस कॉस एक्स टू साइन स्क्वायर एक्स बाय देन वी विल गेट टू पावर माइनस वन दस टू वन बाय टू देन ऑफ दिस लिमिट इज इक्वल्स टू वन बाय टू फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर यस नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन इफ ए करोज डिफ़रेंशियल इक्वेशन एंड दर्व पास्यू ऑफ वाई टू एक्स इक्वल टू टू पर फाइंड आउट करनी तो पहले कर फाइंड आउट करें वेरिएबल सेपरेबल मेथड इज़ीली एप्लीकेबल होगा तो वेरिएबल सेपरेबल मैथड लगाए तो यहां पर कितना आएगा 2 पावर y, 2 पावर y डिवाइडेड बाय टू पावर वाई माइनस वन डी वाई इंटीग्रेट कर देते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा टू पावर एक्स डी एक्स ठीक है टू पावर वाई माइनस वन टू पावर वाई माइनस वन इज इक्वल टू टी सो टू पावर वाई अपॉन टू पावर वाई मल्टीप्लाइड बाय लॉग टू डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा हमारे पास सो टू पावर वाई डी वाई इज इक्वल्स टू वन अपॉन लॉग टू डी टी ये रिजल्ट आया ठीक है वैल्यू यहां पे पुट करते हैं सो वी विल गेट वन अपॉन लॉग टू टू पावर वाई डी वाई तो डी टी और ये पार्ट तो वन अपॉन टी डी टी राइट हैंड साइड पे स्टिल टू पावर एक्स डी एक्स ओके नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड सो वन अपॉन लॉग टू यहां पे कितना हो जाएगा log टी टी की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं टू पावर वाई माइनस वन इज इक्वल टू टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय एल एन टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी अपॉन लॉक टू ये रिप्लेस कर दिया अपन ने log टू कॉन्स्टेंट है सब में से कैंसिल आउट कर दिया अब जो कंडीशन है कल कहां से पास हो रहा है जीरो कोमा वन से लॉक टू तो कैंसिल आउट हो गया नाउ वी टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सी एक्स इक्वल टू जीरोक्वल टू वन है टू माइनस वन वन लॉग वन की वैल्यू 0. तो इक्वल टू माइनस वन वैल्यू कितनी आ रही है इक्वेशन तो किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगीवर वाई माइनस वन इज इक्वल टू टू पावर एक्स माइनस वन एंटी लॉग लेते हैं टू पावर वाई माइनस वन इज इक्वल टू ई पावर टू पावर एक्स माइनस वन सो वाई एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस कितना यहां पर पावर टू पावर एक्स माइनस वन ये जनरल सॉल्यूशन मिल गया हमें बट पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है एट एक्स इक्वल टू टू वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहां पे सबसे पहले अगर अपन देखें यहां वैल्यू रिप्लेस करता हूं एट एक्स इज इक्वल टू टू क्या रिप्लेस किया मैंने एक्स इज इक्वल टू टू तो वाई की जो वैल्यू मिलेगी वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं चाहे यहां से निकालिए चाहे यहां से निकालिए एक्स इक्वल टू टू रिप्लेस किया क्या है हमारे पास फोर फोर माइनस वन थ्री तो ई e क्यूब तो यहां से जो रिजल्ट आया हमारे पास जो वाई की वैल्यू मिल रही है हमें यहां पर तो टू पावर वाई माइनस वन इज इक्वल टू ई पावर थ्री ये रिजल्ट आ जाएगा सो टू पावर वाई इज इक्वल्स टू वन प्लस ई पावर थ्री सो वाई इज इक्वल्स टू वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास यहां पे लॉग वन प्लस ई क्यूब पावर में कितना है यहां बेस कितना है यहां पे टू तो ये जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यही आपका आंसर हो जाएगा यहां पे तो जो रिजल्ट मिला मैं यहां पे क्या रिजल्ट आया देखिए वैल्यू यहां पे भी रिप्लेस करते थे यहां पे भी रिप्लेस कर सकते हैं दोनों में सेम ही आएगा कोई दिक्कत नहीं है तो सेकंड आंसर विल बी करेक्ट आंसर मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर टेन डिस्टेंस ऑफ लाइंस एल वन एंड एल टू टू लाइन आर गिवन फ्रॉम ओरिजन इज P एंड Q रेस्पेक्टिवली तो रिलेशन बिटवीन P स्क्वायर Q स्क्वायर एंड K स्क्वायर दिया हुआ है ठीक है तो फर्स्ट लाइन लेट अस सपोज दिस इज एल वन फर्स्ट लाइन जो है x अपॉन साइन थीटा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं x अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस वाई अपोन कोस्थीटा इज इक्वल टू के कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय साइन टू थीटा ऐसा कुछ आया साइन टू थीटा को अपन ने टू साइन थीटा थीटा लिख दिया ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं टू साइन थीटा कॉस थीटा को सो लाइन एल वन कैन बी रिड्यूस इन फॉर्म ऑफ एक्स थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस के बाय टू कॉस टू थीटा इज इक्वल टू जीरो लाइन एल वन आ गई इस लाइन की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल गिवन है? मैं? P के इक्वल गिवन हैस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये तो वन हो गया अब जो रिलेशन दे रखा है सब में स्क्वायर की फॉर्म में तो पी स्क्वायर लिख देते हैं यहां पर सो पी स्क्वायर स्क्वायर अपोन फोर कॉस स्क्ट थीटा यहां पर जो है ठीक है तो रिजल्टीफाई करते हैं सो लाइन एल टू जो है क्या दिया हुआ यहां पर एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू के साइन टू थीटा राइट सिंपलेस्ट फॉर्म में दे रखी अपने को सो एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा माइनस के साइन टू थीटा दिस इज इक्वल टू जीरो सो क्यू इज इक्वल टू रेफरेंस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो जीरो प्लस जीरो माइनस के साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये रिजल्ट आएगा ये तो वन हो गया स्क्वायरिंग भी कर देते हैं सो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर साइन स्क्वायर टू थीटा यह रिजल्ट आया ये फर्स्ट रिजल्ट ये सेकंड रिजल्ट तो इसको फोर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं सो वी गेट फोर पी स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू के स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वन साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा किसकेन के इक्वल एंगल थीटा की जगह क्या की बने यहां टू थीटा गिवन है सो फोर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास फोर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर